Dhama Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudiraye Nashta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Granthara Srimad Bhagavatam Skandana Adhyayana Slok Sankhya 15-17. To pehle board par 17 number slok likha hai. तो मैं 15 और 16 मैं स्वयं पाठ करूंगा तो फिर साथ में हम 17 नंबर श्लोक पढ़ेंगे. सन्निवेश्य मनोजस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलः त्रैगुण्य दुस्तजं हित्वा सद्यजात सदात्मतम. मुनिगण भौतिक काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं. ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाइयों के भव बंधन से छूट जाते हैं और वे भगवान की आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं. भगवान की यही महिमा है. 16 नंबर श्लोक. श्रुत भगीरथं यज्ञे तस्य नाभो पर भवत् सिंधु दीपस्ततस्तस्मात् अयुतायुतस्ततो भवत्. साथ में तो 17 नंबर श्लोक साथ में बोलिए. ऋतु पर्ण नल सखो जो अश्व विद्या मयान नला दत्वाख्यं हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्. ऋतुपर्णनलसखो जो अश्व विद्या मयात्नला दत्वाख्यं हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्. रूतपर्णो नलो सख जो अश्व विद्या मया नला दत्वाख्यं हृदयं चस्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्. ऋतुपन्न नल सख जो अश्व विद्या मया नला दत्वाख्यं हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्. ऋतुपन्न नल सख जो अश्व विद्या मया नला दत्वाख्यं हृदय चस्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्. मत
ऋतुपर्णो नल सख जो अश्वविद्यामया नला दत्वाख्यं हृदय चास्मै माताजी ऋतुपर्णो नल सख जो अश्वविद्यामया नला दत्वाख्यं हृदय चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम् शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। श्रुतः श्रुत नामक पुत्र भगीरथा भगीरथ से यज्ञे उत्पन्न हुआ। तस्या उनका नाभ नाभ नामक अपरह अन्य वा दूसरा नाम अभवत उत्पन्न हुआ। सिंधुदीप सिंधुदीप नाम से ततः नाभ से तस्मात् सिंधुदीप से अयुतायो अयुतायु नामक पुत्र ततः तत्पश्चात अभवत पैदा हुआ। ऋतुपर्णा ऋतुपर्णा नामक पुत्र नल सखः नल का मित्र जा जो अश्वविद्याम घोड़े की बस में करने की कला अयात अर्जित की नलाद नल से दत्वा बदले में देकर अक्ष हृदयम द्रुत क्रीड़ा का रहस्य च तथा अस्मै नल को सर्वकाम नामक तू निसंदेह तत्सुतम उनका पुत्र। अनुवाद। भगीरथ का पुत्र श्रुत था और श्रुत का पुत्र नाभ था। यह नाभ पहले वर्णित नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधुदीप हुआ जिनका पुत्र अयुतायु था और अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ जो नल राजा का मित्र बन गया। ऋतुपर्ण ने नल राजा को द्यूत क्रीड़ा सिखलाई और बदले में उनसे नल राजा से घोड़े को वश में करना तथा उनकी देखरेख करना सीखा। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। तात्पर्य। जुआ खेलना वा द्यूत भी एक कला है। क्षत्रियों को द्यूत क्रीड़ा की कला में अपनी प्रतिभा दिखलाने की छूट है। कृष्ण की कृपा से पांडव ने जुए में अपना सर्वस्व गुण दिया। कृष्ण की कृपा से सर्वस्व गुवा दिया और वे अपने राज्य पत्नी परिवार तथा घर सबसे वंचित हो गए क्योंकि वे द्यूत कला में पटु न थे। दूसरे शब्द में हो सकता है कि भक्त भौतिकवादी कार्यकलाप में दक्ष न हो सकता हो। अतएव शास्त्र का उपदेश है कि जीवों के लिए विशेष रूप से भक्तों के लिए संसारी कार्यकलाप अनुकूल नहीं होते। अतएव भक्तों को भगवान द्वारा भेजे गए प्रसाद को खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह द्युत क्रीड़ा नशा मांसाहार तथा अवैध जौन जैसे पाप पूर्ण कृत्य नहीं करता। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांसं हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतेर्महद्बीजयिमा पुरोपिभो निर्मायसे तेजदमोऽसपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जदवंदनम जदश्रवणम जदरहणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः हरे कृष्ण। तो आज जो प्रसंग है कि कलिजुग कैसे सबकी हृदय में प्रवेश करता है उसे सीख लेना चाहिए कि कलिजुग परीक्षित महाराज को भी चिट किया तो किस प्रकार एक महान भगवत भक्तों को भी कलिजुग चिट करता है। हालांकि परीक्षित महाराज चाह रहे थे कली को दमन करने के लिए किंतु कली ने परीक्षित महाराज को पूरा सरेंडर कर लिया कि मैं तो आपकी प्रजा हूँ तो आप मुझे स्थान दीजिए क्योंकि प्रजा का सुरक्षा देना राजा की धर्म है तो मैं आपके शरणागत हूँ। तो परीक्षित महाराज की मन में करुणा उत्पन्न हुई तो पुनश्च जाच मानाह्य तो कलिजुग ने जब हाथ जोड़ करके एकदम नम्रता से परीक्षित महाराज से याचना किए तो परीक्षित महाराज उनको स्थान दिए तस्मै स्थानानि कलये ददौ कलिजुग को उन्होंने स्थान दिए। क्या क्या स्थान दिए कहे देखो तुम तो एकदम खतरनाक व्यक्ति हो तुम पूरा मेरे राज्य को नष्ट कर दोगे इसलिए मैं तुमको सिलेक्टेड प्लेस देता हूँ जिससे तुम शेल्टर ले सकते हो। तो क्या स्थान दिए द्यूतम पानम स्त्रिया सूना जत अधर्म चतुर्विधम मेरे राज्य में कोई ऐसे अधार्मिक कार्य नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज सोचे कि ऐसे उनको स्थान दे दें ताकि मेरे राज्य में नहीं होगा
तो वो भी चक्कर में पड़ जाएगा। तो परीक्षित महाराज का है कि उस स्थान में जाओ जहां जुआ खेला जाता है, पाना शराब पिया जाता है, स्त्रियां अवैध संबंध, और सोना, सोना का मतलब क्या है, धन, ना हिंसा, जहां हिंसा होती है, पशु हत्या होता है, वहां तुम रहो। लेकिन ये परीक्षित महाराज के राज्य में ये चार स्थान नहीं था, और कलयुग ने पूरा वो राज्य को पहले से इंस्पेक्शन कर लिया था, घूम के देख लिया था। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज आपके राज्य में स्थान नहीं है, तो मैं कैसे आपकी प्रजा बन सकता हूं। पुनः जाचमानाया जातरूप मदत प्रभु, उन्होंने कहा, हे प्रभु मैं आपसे फिर जाचना करता हूं, आपके राज्य में स्थान नहीं है, मुझे तक स्थान दीजिए। तो फिर परीक्षित महाराज कहे, तत अनुतम मदम कामम रज वैरम च पंचमम, तुमको मैं पांचवा स्थान देता हूं, ये चार स्थान आपके लिए पसंद नहीं हुआ ना, पांचवा स्थान में देता हूं। क्या है, कहते जहां लोग झूठ बोलते हैं, जुआ खेलने से झूठ ही बोलना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज उनको टर्न करके बोले कि जहां लोग झूठ बोलते हैं वहां रहो, जहां पोस्ट पोजिशन व कुछ अपने संपत्ति को लेकर के लोगों के अंदर मद आ जाता है, दंभ आ जाता है, वहां रहो। कामम, जहां बहुत कामासक्त अवैध संबंध जोड़ने के लिए लोग इच्छा करते वहीं रहो। रजो बैरम, और जहां रजोगुण प्रबल है और शत्रुता है वहीं रहो। परीक्षित महाराज कहे, ये स्थान कहां है, रजोगुण को पकड़ा, और ये कहे कि जात रूपम, इसे जो प्रोडक्टिव होता है, जैसे आप सबको मंथन करके जो सार निकल गया है, राबड़ी बना दिए हैं दूध को, गरम करते 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 एकदम कंडेंट हो गए, तो कहें कि ये जो चार पाप का सार रूप कहां, क्या है, जहां तरूपम रजो, सोना, धन, जिसको सरकार ने बैन कर दिया काला धन, लेकिन कहां रोका, लोग उनको भी रिजेक्ट कर दिए, मोदी के लहर को लोग दिए। तो परीक्षित महाराज कलयुग को दिए कि तुम उस स्थान में रहो जहां पर लोग असत उपाय से धन कमा करके वो करना चाहते हैं, अन्नायन अर्थ संचयन। कलयुग कहा यही स्थान है, तो असत उपाय क्या है, तो दूसरे कथाकार व दूसरे वक्ता भागवत में की प्रसिद्ध प्रसिद्ध वक्ता वो कहते कि परीक्षित महाराज के मुकुट पर जो असत उपाय से धन इकट्ठा था, सोना था, उस पर कलयुग को सवार हुआ। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी आदि हमारे आचार्य और श्रील प्रभुपाद भी ये स्वीकार नहीं करते, कि जात रूपम, ये जो दंभ कि मैं कुछ हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास मान है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, इस प्रकार भावना ही ये कलयुग की स्रोत है। अहंकार अभिमूढ़ात्मा दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्य वच अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम, ये आसुरी की संपत्ति इकट्ठा होता है और वहां पर कलयुग प्रवेश करता है। तो तुरंत जो दंभ उत्पन्न हुआ श्रमिक ऋषि की पुत्र श्रृंगी की मन में, मेरे पिता को उन्होंने इस प्रकार दंड दिया, और ये राजा कुत्ता है, ये तो द्वार पर रहना चाहिए, मेरे पिताजी के गले में उन्होंने एक मृत सर्प को डाल दिया, मैं उसको उचित दंड देता हूं, मेरे ब्रह्म तेज को नहीं जानता है, जेने घुमा लिया अंगुली में, पानी उठा लिया, शराब दे दिया। तो प्रभुपाद करके वही दंभ से ही कलयुग प्रवेश किया कि श्रमिक मुनि ने फिर आकर के देखे, अच्छा ये राजा का बिल्कुल कुछ दोष नहीं था, वो तो निर्दोष है, भगवान के महान भक्त हैं। जय श्री श्री नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसी से ही कलयुग प्रवेश किया दंभ,
और प्रभुपाद के कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि आजकल की लोग इसी प्रकार दो पैसा के जेनेयू डाल करके सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हो गए, बातें बात पर कहते मैं आपको सांप दे दूंगा, लेकिन कुछ काम नहीं करता है सांप कुछ काम का है नहीं। तो इसी प्रकार कलिजुग चीट किया परीक्षित महाराज को, दमंत किए, जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक कलिजुग प्रवेश नहीं किया था। लेकिन कलिजुग हमेशा ऐसे मौका ढूंढता है। तो काल की प्रसंग में सुने कि कलिजुग की प्रभाव जो दंभ था, ये दंभ उत्पन्न हुआ था सगर की पुत्रों के मन में, उन्होंने एक साधु के प्रति अपमान किए कपिल मुनि के प्रति, परंतु जो भगीरथ हुआ अंशुमान दिलीप के उसके वंशधर, तो परीक्षित महाराज सोचे कि विष्णु की चरणादोक के बिना इनके उद्धार नहीं हो सकता है। और कपिल मुनि भी स्वयं कहे कि कलिजुग को यही नष्ट कर सकता है प्रभाव को, यह है गंगा जल और भगवान की पवित्र नाम। तो काल की परपट में आप लोग सुने थे कि गंगा जल की कितनी प्रभाव है, महिमा है, और आप लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि यहाँ मायापुर में रहकर कि गंगा जी के कम से कम तो दर्शन तो करते होंगे, स्नान नहीं कर पाते होंगे, तो बहुत लोग भी स्नान भी करते हैं। तो ये गंगा जल की महिमा को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसी प्रकार जो गंगा जल में स्नान करके भगवान को ध्यान करता है, सन्निवेश्य उनका मन उसमें लग जाता है, तो फिर उनकी मन स्वतः ही भगवत भक्ति की ओर बढ़ता है। जस्मिन श्रद्धया, क्योंकि भक्ति के लिए पहला आइटम है श्रद्धा, आदो श्रद्धा, श्रद्धावन लभते ज्ञानम तत्श्रद्धान मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तय। श्रद्धा एक पात्र है जिसमें भक्ति को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन यही श्रद्धा कलिजुग में सबके पास कम है, यही अभाव है, सत श्रद्धा नहीं है, भगवत भक्ति में भी नहीं। इसलिए हमारा कलिजुग रूपी जो कपटता है, जो दुर्योधन था, इसकी कपट दंभ ये आ जाता है, मैं सीनियर हूं, मैं, मेरे पास इतने पोजिशन है, ये कार्य में किया हूं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जाए। ये सूक्ष्म रूप में कलिजुग अटैक करता है, लेकिन यदि हम गंगा जल में स्नान करते हैं और भगवत कथा को श्रवण करते हैं ये श्रद्धा के साथ, श्रृणताम श्रद्धया नीतम गुणंतस्य सुचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवत विसते हृदय, तो निश्चित रूप से भगवान फिर हृदय को पकड़ लेंगे, कलिजुग नहीं, माया दंभ नहीं। कहते जो इस प्रकार जल में स्नान करके भगवान में मन को लगाता है, सन्निवेश एकदम अच्छी तरह से आवेशित रहता है उनका मन, त्रैगुण्यम दुस्तजम हित्वा, जो गुण की प्रभाव है वो तुरंत दूर हो जाता है। सद्यः जास्तदात्मसताम, और आत्मसताम भगवान को हृदय में धारण करने के लिए उनको शक्ति प्राप्त होता है। तो यहां तक सुखदेव गोस्वामी ने भगीरथ की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, अलौकिक कार्य था, उसको वर्णन करके कहते हैं कि देखो उनकी वंशधर में भी ऐसे ऐसे पुत्र हुए। कौन हुए? भगीरथा अजज्ञ हैं तस्म्या, तो उनकी पुत्र हुए श्रुत, भगीरथ की पुत्र, और उससे उत्पन्न हुआ नाभ, तो फिर नाभ से उनका पुत्र हुआ अयुतायु, और उनका पुत्र हुआ रुतपर्ण। तो ये प्रश्नों को किस प्रकार कनेक्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये रुतपर्ण राजा नल से उन्होंने क्या सीखे, उनका मित्र बनकर की द्यूत क्रीड़ा, क्योंकि नल राजा का एक शौकीन था,
आदत था जुआ खेलने का। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि बड़े बड़े राजा जैसे युधिष्ठिर धर्मराज होने पर भी उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिए और जुआ में ही अपने पत्नी को भी लगा दिए। आप सोचिए। और भीष्मदेव जब युधिष्ठिर महाराज को देखे सरसज्जा में लेटे हुए थे तो देखे कि धर्मराज आए हैं अपने भाई के साथ और स्वयं श्री कृष्ण धर्म स्वरूप और धर्मराज दोनों ही है। फिर भीष्मदेव कहते अहो कष्टम धर्मराजम अपि, ये कैसी बात है, आ धर्म की ज्ञानता होने पर भी और साक्षात धर्म स्वरूप है। धर्म का तीन रूप था, आप जानते हैं, धर्मराज जमराज भी हैं, विदुर भी हैं और युधिष्ठिर महाराज हैं। लेकिन उसी समय दोनों ही थे, विदुर भी थे युधिष्ठिर भी थे, उनकी सलाहकार होने पर भी आप लोग को इतनी कष्ट मिला, आश्चर्यचकित हो गए कि जुआ खेलने की बा जुआड़ी बनने से क्या दुष्परिणाम होता है वो दर्शाने के लिए कहते ओहो कष्टम। लेकिन प्रभुपाद कितने इंपोर्टेंट दे रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज जुआ में हार गए। ध्यान रखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण की कृपा था, पत्नी को भी लगाना भी कृष्ण की कृपा था। इसलिए आचार्यों से समझना चाहिए, एक भक्त के साथ जैसे कहते ना अरे भाई मैं ऐसे ऐसे कार्य किया फेरे मेरे साथ इतनी बुराई हुआ, और हमारे भी 6 डे सेशन बा 7 डे सेशन में लिखते हैं ना कि व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है, देते हैं ना एक दिन का समय। तो ऐसे भी लोग कहते भाई मैं इतनी सज्जनता से कार्य किया फिर भी मेरे साथ ऐसे बुराई हुआ, भगवान को और विश्वास नहीं है, ये धर्म भ्रम कुछ नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं। नहीं, ना ही कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छति, भगवान गीता में कहते हैं कल्याण करने वालों के लिए कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। तो फिर हम कैसे इंटरप्रिटेशन करें कि हाँ ये दुर्गति हो गया भक्तों का, नहीं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, अमंगलहारी मंगल प्रदान करते हैं। तो इसलिए लिखते हैं कि युधिष्ठिर जुआ में हारना ये बड़ी कृपा थी कलिजुग को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि कलिजुग की स्वरूप था दुर्योधन, जिससे कि उनके मन में और दंभ उत्पन्न हुआ कि मैं पांडव के राज्य को छीन लिया, मामा जी आपकी पासा तो ठीक सेना के रूप में काम किया, मैं तो जीत लिया। ठीक ऐसे ही हुआ जो ऋतपर्ण राजा की मित्र था नल, तो युधिष्ठिर महाराज जब वनवास गए तो ऐसे भटक रहे थे, जंगल जंगल में भटक रहे थे, तो एक ऋषि के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनका नाम था बृहत अश्व। तो उनसे पूछे हे महर्षि, हाथ जोड़कर कहे कि मेरी समान ऐसे कोई दुर्भागा राजा है, हमारे पास इतनी संपत्ति थी, इतने ऐश्वर्य था, मैं जुआ खेलने में उसको गुआ दिया, यहां तक कि मैं अपने पत्नी को भी जुआ में लगा दिया, और दुष्ट दुशासन ने भोरी सभा में उसको सबके सामने नग्न करने के प्रयत्न किया, हमारी कितनी बड़ी अपमान हुआ, उतना नहीं, हम लोग अभी राज्य छोड़कर के द्वार द्वार भटक रहे हैं, आप बताइए हमारी समान कोई है इसे दुर्भाग्य। तो ये बृहत अश्व जो ऋषि, उन्होंने कहे महाराज आप इतनी क्यों खेद प्रकट कर रहे, आप इतिहास शायद सुने नहीं है, मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूं, सुनिए, समय बहुत कम है, इतिहास को मैं संक्षेप में बोलूंगा। तो एक निशा देश के एक राजा थे नल, ये महाभारत में शायद वन पर्व की पहले सभा पर्व में है, सभा पर्व में 56-57
अध्याय में है, ये 7-8 अध्याय है लंबा, तो लोग भी महाभारत सुनना चाहते, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महाभारत सीरीज जब चलता था तो लोग रास्ता में भी इकट्ठा हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था, क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए व्यासदेव ने इस प्रकार रचना किए हैं और बहुत इंटरेस्ट भी लगता है। हालांकि भागवतम क्लास में थोड़ा झुपकी आ जाए, लेकिन महाभारत में झुपकी नहीं आएगा। हालांकि चार चश्मा लगा करके, मतलब चार आंख लगा करके बैठ जाएंगे, लेकिन झुपकी नहीं आएगा, क्योंकि महाभारत का टॉपिक ऐसे ही है, बहुत रोमांचकारी है। तो ये नल महाराज की वर्णन कर रहे थे कि निषाद राजा थे और वो इतनी गुण संपन्न थे, धर्मपरायण, पवित्र, सुशील, सुंदर, धर्मज्ञ, वेदज्ञ और प्रजापालक, चतुराई में कम नहीं थे, सभी प्रकार गुण में संपन्न थे। तो राजा होने के नाते इनकी प्रसिद्धि सब जगह फैल गया, हर व्यक्ति चर्चा करने लगा, और यहां तक कि पक्षियों, एक हंस, एक बार विदर्भ नहीं, एक हंस ने आया नल महाराज के पास। तो ये हंस इतने सुंदर था तो नल महाराज उसको पकड़ना चाहे, तो हंस ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी गुण को दमयंती के पास, जो विदर्भ की, जहां रुक्मणी की जन्म हुई थी, तो विदर्भ भी धर्मराज प्रभु की वही स्थान है, तो वहां विदर्भ नरेश की कन्या दमयंती के पास मैं जाकर के कहूंगा, जिससे कि आपको वो वरण करेंगे। और उसकी पहले ये नल की कथा दमयंती के कान में पड़ चुका था, लोग सब कानफूसी कर रहे थे, और कोई कन्या विवाह के योग्य होने के बाद उनके मन में होता है, मैं कैसे एक अच्छी पति चुन लूं, वरण करूं। तो जब इस प्रकार लोगों की कानफूसी सुनी तो अपने आप इस प्रकार योजना बनाई, जैसे रुक्मणी ने कृष्ण की महिमा को सुनी और एक रात में उन्होंने लेटर लेकर के भेज दिए ब्राह्मण को कि मैं तो सिर्फ उनको ही पति रूप में वरण करूंगी। तो ये हंस नल महाराज की हाथ से तो छूट गया, उन्होंने कहा कि मैं जाकर के कहूंगा तो मुझे छोड़ दीजिए, वो आपको पति रूप में वरण करेंगे। और वहां जाकर फिर उन्होंने बोला, वो दमयंती उसको पकड़ना चाह रही थी, उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया। तो दोनों के मन में फिक्स हो गया कि हम आपस में विवाह करेंगे। तो लेकिन चिंता में किससे वो कहें, हाँ कन्या थोड़ा लज्जाशील होते हैं, आजकल के नहीं है जैसे कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा कैसी, इस प्रकार नहीं है। पहले तो था मर्यादा कि लड़की नहीं बोलती थी, अगर बहुत संकोच करके बोलती तो माँ के पास जा करके चुपके से बोलती है और माँ फिर बताती है पिता के पास जाकर, स्वामी के पास। लेकिन ये दमयंती किसी से बोली नहीं, लेकिन उनकी जो सहेली थी तो देखे कि दिन पर दिन हमारी राज्य में राजकुमारी एकदम खीण होते जा रहे हैं, क्या बात है। तो फिर राजा को सूचना दिए, तो राजा ने समझ गए कि मेरी बेटी के विवाह के समय हो गया है, बहुत चिंतित है, इसलिए उन्होंने एक स्वयंवर रचना की। तो देवर्षि नारद और पर्वत मुनि उनकी विवाह की संदेश सब जगह पहुंचा दी, यहां तक कि गंधर्व लोक तक, क्योंकि नल इतने सुंदर थे कोई देवता भी, कोई गंधर्व भी उनकी सुंदरता का बराबरी नहीं कर सकते। नाग लोग से लेकर के सभी लोग तक ये सूचना पहुंचा दिए कि दमयंती का स्वयंवर होगा, और दमयंती भी बहुत खूबसूरत थी, इतनी आकर्षक, उनकी भी बारे में जो भी देवता लोग सुनते थे उनको विवाह करने के लिए चाह करते थे। लेकिन ज्यों ही स्वयंवर का आयोजन हुआ तो देवता लोग भी आए गए स्वयंवर में नागालोक से। तो जब नल राजा को पता चला, उन्होंने घोड़ा लेके गए, लेकिन रास्ता में देखे कि चार देवता हैं, वो भी तेजस्वी थे, परंतु नल उनसे भी बहुत सुंदर था, और नल को भी उन्होंने पहचान नहीं कर पाया, अरे इतनी सुंदर कोई इस नरलोक में हो सकता है। उनको बुलाए, बेटा सुनो सुनो सुनो, इधर आओ।
यहाँ जुड़ के गया, कहते हाँ बताइए मैं आपकी सेवक हूँ। कहता अच्छा दीदी सेवक है, हमारी आज्ञा पालन करो, तो जाओ हमारे दूत बनकर के जाओ और निषाद राज के पास, और निषाद राज की जो राजकुमारी हैं उनको ये संदेश दो कि हम देवता, मैं हूँ इंद्र, ये है अग्नि, ये वरुण और ये है जम, मैं देवताओं के राजा हूँ, हम चारों आए हैं उनकी स्वयंवर में और उनको ये संदेश दो, वो जिनको चाहे वो वरण कर सकती हैं। नल ने कहा मैं कान पकड़ता हूँ, ये कार्य नहीं कर सकता। अरे भाई आप जो काम के लिए आए हैं मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ, आप विवाह करना चाहते हैं ना, मैं भी उसी कार्य के लिए आया हूँ। कहते देखो तुम पहले से वचन दिए हो हमारे दूत बन करके जाओगे, ये अधर्म होगा, जवान से जो निकल गया है ना उस सत्य पालन करना चाहिए। आजकल तो कॉलेज में हजार झूठ बोल दो कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं, क्योंकि ये तो मौसम ऐसे ही चलता है ना, यही तो धर्म है कलयुग। तो फिर वो मुसीबत में पड़ गया। नल ने कहा कि देखो वो राजा की महल में चार तरफ कड़ा पहरी है, मैं कैसे अंदर जा सकता हूं। इंद्र ने कहा मैं तुमको शक्ति देता हूं, मेरी प्रभाव से तुम अदृश्य होकर के अंदर घुस सकते हो, तुमको कोई पहचान नहीं सकता है। गया और उन्होंने डायरेक्ट जहां पर दमयंती थी वहां पहुंच गए, नल राजा पहुंच गए और नल को देखकर कि उनकी सहेली और स्वयं दमयंती एकदम लजल गई, उनका लाज आ गई इतनी सुंदर। तो फिर वार्तालाप हुई और ये सब कुछ बात खोल के बताए कि देखो मैं नल राजा हूँ और ये भी परिचय दिए कि मैं दमयंती हूँ जिनके स्वयंवर होना है, लेकिन आप कैसे अंदर आ गए। तो उन्होंने सब कथा बोल दिया कि ऐसे ऐसी बातें हैं कि मैं तो अभी आपकी विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ दूत बनकर के आया हूँ। फिर दमयंती रोने लगी और उन्होंने कहा कि अधर्म हो जाएगा क्योंकि वो आपको विवाह करना चाहते हैं, अगर मैं कैंडिडेट बन जाऊंगा ये अधर्म होगा। तो फिर दमयंती ने कहा कि आपका अधर्म ना हो इसलिए मैं एक सुरक्षित उपाय बता रहा हूँ, स्वयंवर में आप आइए और मैं आपको वर लूँगी। ऐसे ही हुआ, स्वयंवर में आने के लिए सभी राजाओं को तो आमंत्रित था और नल जाकर के देवताओं को एज इट इज जो घटना हुई थी एकदम सत्य सत्य सब कुछ बोल दिया और कहा कि दमयंती ने ही कह रही हैं कि वो तो आपको प्रणाम करना चाहती हैं, सम्मान करना चाहती हैं, परंतु उनकी मन हंस से सुनकर कि मेरे ऊपर लग गए हैं और मुझे वो वरण करना चाहती हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको बहुत मना किया लेकिन वो कही कि स्वयंवर में आपको मैं वरण करूँगी। इसलिए देवता लोग ने एक ट्रिक किए, उन्होंने नल जैसे रूप बना दिए, स्वयंवर में पहुंच गए। तो दमयंती ने देखी, अरे मैं तो नल को तो अच्छी तरह से देखी हूँ लेकिन नल जैसे और चार पुरुष, एक पांच लोग, उनमें कौन नल है। तो फिर दमयंती ने देवताओं के शरण में जाकर के प्रार्थना की और उनकी पास ऐसे बुद्धि आ गई, अकल आ गई कि देवताओं में और मनुष्य में कुछ अंतर है। क्या क्या अंतर है कौन बता सकता है? हाँ, देवताओं की छाया नहीं पड़ता है। दूसरा, हाँ, मिट्टी में पैर नहीं रखते। तीसरा, उनकी पलक नहीं गिरता है। चौथा, उनकी शरीर से पसीना नहीं निकलता है। ध्यान रखिए, कोई देवता किसके घर में आ जाए ना टॉर्च लाइट जला करके देखना चाहिए कि है कि नहीं। तो दमयंती देख ली कि हाँ ये तो नल की शरीर में पसीना है, उनके पैर जमीन पर लगा है और देवताओं का शरीर एकदम स्वच्छ होता है, सुगंध निकलता है, जबकि मनुष्य के शरीर से पसीना का गंध आता है, वो कितने भी सेंट पेंट लगा ले लेकिन आएगा। तो दमयंती ने इसी प्रकार देवताओं को सम्मान दे करके वरण कर लिए नल को और विवाह हुआ। देवता लोग ने आशीर्वाद दिए, नल को दो दो बर दिए ये चार देवता ने। इंद्र ने कहा कि यज्ञ में मेरे दर्शन होगा और तुमको उत्तम गति प्राप्त होगा। वरुण ने कहा कि तुम जिस समय चाहोगे जल बरस जाएगा, स्नान कर सकते हैं, प्यास तुमको सताएगा नहीं। अग्नि ने कहा तुम मेरे समान एकदम
प्रकाशमान हो जाओगे और मेरे लोक को प्राप्त करोगे। तो इसी प्रकार चार देवता ने दो दो बार आठ बार दे दिए उनको, और कुछ दिन वहां विदर्भ में रहे और फिर आपस आए। और देवता लोग ने जब रास्ते में जा रहे थे तो उसी समय कलिजुग और द्वापर युग आ रहे थे। तो देवता लोग कह रहे, भाई तुम कहां जा रहे हो? कहता, हाँ विदर्भ राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, हम लोग शादी करना चाह रहे हैं, हम विवाह करेंगे उनसे। अरे 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 भाई बेशर्मा, उनकी विवाह हो गया है, तुम क्या भोजी भात खाना चाहते, वो भी खत्म हो गया है, तो मत जाओ। कलिजुग को पूरा गुस्सा आ गया। हाँ, कहता देखो हम लोग भी गए थे स्वयंवर में, लेकिन वो हमको नहीं भरी, वो तो सिर्फ नल को वरण किया। कहता अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत है, देवताओं को नाकच कर दिया और एक सामान्य मनुष्य को स्वीकार किया, मैं उसको उचित दंड दूंगा। देवता लोग कहे, भाई तुम सपनों में मत देखो, वो इतनी धार्मिक है, तुम यदि उनकी अनर्थ करना चाहोगे ना, नरक में कुंभी बाग का भी स्थान नहीं मिलेगा तुमको, तुम भूल जाओ, जो हो गया अभी संतुष्ट हो जा। परंतु कलिजुग संभाल नहीं पाया, देवता लोग तो चल गए। कलिजुग ने द्वापर को कहा, भाई मेरी मदद करो, हम चलते हैं, नल महाराज के पास जाएंगे और वहां उनकी शरीर में मैं प्रवेश करूंगा और तुम पासा के रूप में जाना, उनको छल करके उनको नष्ट कर देंगे। द्वापर भी एग्री हो गया, भाई देखो इन सब का मेलजोल है, दोनों गए बेस बदल करके। लेकिन 12 साल तक कलिजुग और द्वापर युग उनको कुछ प्रभावित नहीं कर पाए। एक दिन नल महाराज कुछ बाहर से आए काम करके, लेकिन पैर नहीं धुए और चुपचाप बैठ गए गायत्री करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, और उसी समय कलिजुग को मौका मिल गया प्रवेश किए। और उन्होंने द्वापर को कहा कि तुम पुष्कर के पास जाओ, उनकी मतलब पासा बन जाओ। ऐसे ही हुआ, लंबा कथा है, समय हो गया है, तो लोग तो सुनना चाहते हैं ना, कितने लोग सुनना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, बाद में सुन सकते हैं। तो जैसे भी हो, तो इन्होंने पुष्कर उनका भाई के पास जाकर के उसको उसकाए, और दमयंत के सामने जाकर ये कहा, पुष्कर उनका भाई, मैं जुआ खेलना चाहता हूं, और एक क्षेत्रीय का प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तीन चीज नहीं ठुकराना चाहिए, क्या? एक तो कोई विवाह करना उनको चाहता है, नहीं ठुकराना चाहिए जुआ खेलने के लिए, और लड़ना क्षेत्रीय का नहीं है, क्षेत्रीय धर्म का अनुसार वो करना चाहिए। तो फिर नल एग्री हो गए, और जुआ खेलते 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 उनकी सारे राजपाट धन संपत्ति घोड़े अश्व सब खो दिए। और उस समय जो प्रजा थे, इतनी धर्मपरायण राजा थे, सब आकर निवेदन किए, महाराज ये क्या कर रहे हैं, हम लोग सब डूब जाएंगे, आप हमको रक्षा कीजिए। लेकिन कलिजुग तो प्रवेश कर लिया था ना, दिमाग सब उल्टा हो गया था। फिर ये प्रजा और मंत्री जाकर के दमयंत के पास निवेदन किए कि पति को बचा लीजिए। पति ने जाकर निवेदन किए, पत्नी कि महाराज प्रजा लोग सब रो रहे हैं, उनको बचाइए। परंतु वो किसी की बात नहीं सुने। फिर सब हारने की बात, फिर ये कुरुस ने कहा, पुष्कर ने कहा, महाराज आपके पास तो कुछ है नहीं, फिर जुआ खेलना चाहते हैं, सिर्फ आपकी पत्नी है। उन्होंने उसे नहीं किया युधिष्ठिर जैसे, उनको बड़ा शर्म आ गया, और फिर उन्होंने जुआ खेलना बंद कर दिए और नगर से बाहर निकल आए। पहला दिन तो रहे, लेकिन उनका पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वस्त्र पहने हुए थे, और दमयंत के पास भी एक ही वस्त्र। लेकिन इसके पहले दमयंत ने वहाँ की जो सारथी हैं, रथ के सारथी, उनको बुला करके अपना बेटी और बेटा को, इंद्रसेन और इंद्रसेनी, इनको भेज दिए कहाँ, विदर्भ, और कहे कि तुम रथ वहीं रख देना, घोड़ा भी रख देना, और तुम चाहे तो वहीं रह जाना, नहीं तो कोई दूसरे जगह में नौकरी कर लेना। आगे की ये सब क्या घटना है, क्योंकि दमयंती एक सती होने के कारण उनकी इतनी बुद्धि थी अपने पति को बचाने के लिए। फिर ये जो ऋतुपर्ण जो राजा हैं, ये अयोध्या के राजा थे,
वहां जाकर के उन्होंने क्या करिया, नौकरी कर लिए ये जो सारथी। और अभी इनकी हालत इतनी खराब हो गया, ये विदर्भ में 3 दिन तक भूखा रहे और अब उनके भाई ने उनको निकाल दिए और प्रजा को कहे कि कोई उनको मदद नहीं करना, तो सिर्फ पानी पी के रहे, 4th दिन थोड़ा सा फल खाए। फिर जब वो जंगल की ओर गए, राज्य से बाहर निकल कर की देखे कि कुछ पक्षी हैं। जो कौन थे? ये पासा था, ये द्वापर जो नैने आया। और नल ने देख कर के, देखो कली ने प्रवेश किया है, बुद्धि कैसे आता है, कहता ये पक्षियों को मैं पकड़ लूँ तो मुझे कुछ सोना मिल जाएगा तो मैं जीवन धारण कर सकता हूँ। तो इसलिए पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने जो पहना हुआ वस्त्र था उसको फेंक दिया और पक्षियों ने उसको उड़ा करके ले लिए। और नल राजा देखते रहे और पक्षियों ने कहा कि हम पक्षी नहीं है, हम पासा हैं, राजा तुम्हारा मति उल्टा हो गए हैं। फिर राजा को इतनी शर्म आ गया, वो नीचे मथा करके दमयंत की ओर देखने लगे और दमयंत को कहने लगे ये देखो ये रास्ता इस तरफ जा रहे हैं मगध की ओर, ये नदियों की ओर जा रहे हैं, ये विदर्भ की ओर जा रहे हैं। तो पत्नी ने भी समझ गए कि मेरी पति मुझे त्याग करना चाहती है, परंतु दमयंत ने हाथ जोड़कर कहा कि ये पत्नी की धर्म है कि दुख की परिस्थिति में उनके साथ देना, ये सीखना चाहिए किसी प्रकार जो धार्मिक नियम बिताना। आज कुछ भी होता है यहां तक इस कर्म में डाइवर्स और नहीं है, कुछ संभालना नहीं है, कितनी अधार्मिकी, कितने कितने महान कथा है। तो इसी प्रकार तो दमयंत ने नल के साथ रहे और बाद में नल ने फिर जाकर की ये ऋतुपर्ण के पास गई और दमयंती वो जाकर के उनकी जो मावसी थी, हाँ, तो मावसी के पास वो नौकरी की। फिर आखिर में ये ऋतुपर्ण राजा को उन्होंने क्या सिखाया, जुआ खेलना और वो घोड़ा कैसे चलाना है, रथ चलाना है, वो सिखा दिए। और आकर के फिर उन्होंने दूसरी बार जो दमयंत के स्वयंवर में पहुंच गए नल राजा और विवाह की, बहुत दूर था। तो ये था प्रसंग कि प्रभुपाद कह रहे कि हम लोग जुआ खेलना भूल जाना चाहिए, 4 नियम को पालन करें और यदि कुछ ना मिले तो प्रसाद खाए की आनंद में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भगवान की जय।